अध्याय तीन। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीही सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं।